स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम हाउस प्लान पे। आज मैं आप लोगों के लिए 25x40 का घर का नक्शा लेके आया हूँ, जिसकी टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट है और इसमें मैंने 3BHK का हाउस प्लान डिजाइन किया है। तो आइए इस प्लान को समझते हैं और इसका साइज जानते हैं। तो सबसे पहले अपने मेन गेट पर आते हैं, तो यहाँ से हमारा मेन गेट शुरू होता है, तो जिसका जो है डिजाइन मैं बना देता हूँ। यहाँ पर यहाँ से आपका मेन गेट हो जाएगा। मेन गेट की चौड़ाई हमने रखा है 8 फीट, पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 फीट रखा गया है। इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी 8 फीट है और यहाँ पे मैंने गाड़ी चढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे बनाया गया है, बाहर से स्टेयर भी बनाया गया है, क्योंकि मकान कुछ हाइट पर है इसलिए जो है ऐसा बनाया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पार्किंग मिलता है, उसके पहले हमें यहाँ पर स्टेयर मिलता है। ये वाला टोटल एरिया पार्किंग हो जाएगा, इधर आपका स्टेयर वाला हो जाएगा एरिया। तो आइए इसका स्टेयर का साइज जान। तो स्टेयर का साइज हमारा होने वाला है 3 फीट, ऐसे चौड़ा रहेगा और जो ये वाली डिस्टेंस है ये रहेगी आपकी 11 फीट रहेगी, 11 फीट रहेगा ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से पूरा यहाँ तक रहेगा 11 फीट। और यहाँ पर विंडो मैंने प्रोवाइड किया है कि देखने में सुंदर लगे बाहर से, इसलिए मैंने यहाँ पे विंडो लगाया है। इसके जस्ट बगल में जो है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है इस गेस्ट रूम के लिए, तो इसका साइज हमने रखा है 4x6 का, 4x6 का हमारा कॉमन टॉयलेट एंड बाथ हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने पार्किंग एरिया में, तो पार्किंग एरिया का साइज हमने रखा है 16 फीट रखा है, ऐसे गहरा यहाँ से पूरा यहाँ तक, ताकि कोई भी कार आपकी कितनी भी लंबी गाड़ी हो यहाँ पे आ जाएगी। और 8 फीट चौड़ा रखा गया है, तो काफ़ी अच्छे साइज में आपका पार्किंग मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं अपने इस वाले गेस्ट रूम में, तो जिसके दरवाजे का साइज हमने 3 फीट 6 इंची का रखा है और गेस्ट रूम का जो साइज होने वाला ये रहेगा 9 फीट 8 इंची, ऐसे चौड़ा रहेगा और 15 फीट इसकी गहराई रहेगी, यहाँ से पूरा यहाँ तक 15 फीट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तो हमको यहाँ पे अंदर जाने के लिए यहाँ पे डोर प्रोवाइड किया गया है, जिसकी चौड़ाई 3 फीट 6 इंची रखा गया है। गेस्ट रूम से जाने के लिए डोर है। इसके बाद हमें यहाँ पे मेन डोर जो है पार्किंग से दिया गया है, तो इसका चौड़ाई हमने 4 फीट रखा है, ये डबल पल्ले का मेन डोर है। तो हम लॉबी में आते हैं, जिसका साइज हमने रखा है 16 फीट चौड़ा ऐसे यहाँ से यहाँ तक और गहराई जो होने वाली ये रहेगी 10 फीट, 16x10 का हमने लॉबी रखा है। तो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या चेंजिंग होने वाला चीज़ है, मतलब प्लान में क्या क्या चेंज हो सकता है, आप चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, तो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा उसको। तो ये जो है आपका किचन का दरवाज़ा 3 फीट का होने वाला है और किचन का पल्ला ऐसे खुलता है, और किचन का जो साइज़ हो रहा है ये हमारा रहेगा 7 फीट ऐसे रहेगा और 10 फीट आपको ऐसे मिल जाएगा। तो ये किचन जो है हाल में ही बनाया गया है, देखने में जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे। अब आते हैं अपने यहाँ पे पीछे चलते हैं और बेडरूम का जो ये की तरफ जाते हैं, दोनों बेडरूम की तरफ, तो यहाँ पे हमें आर्च मिलता है गोलाई में, जिसके माध्यम से हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे आर्च बनाएंगे तो काफ़ी देखने में सुंदर लगेगा और इसका जो डोर का साइज रहेगा 3 फीट 6 इंची रहेगा ये वाला जो है, इधर भी आपका 3 फीट 6 इंची चौड़ा डोर रहेगा। इसके बाद बेडरूम का साइज रहता है 9 फीट 4 इंची चौड़ा है और 11 फीट 8 इंची आपका गहराई में मिल जाएगा, सेम वैसे ही 9 फीट 4 इंची चौड़ा, 11 फीट 8 इंची आपको गहरा मिलेगा। जो कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है इसका साइज हमने रखा है 4x8 का हमने कॉमन टॉयलेट एंड बाथ रखा है, जिसके दरवाजे का साइज 2 फीट 6 इंची है। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है कुछ चेंजिंग हो सकता है प्लान में, अगर आपको बड़े बेडरूम का रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं इससे भी बड़ा बेडरूम हो हमारा, तो उसमें जो है आप बीच में जो कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है उसका जो है यहाँ पे बीच में जो है ये वाला दीवार ला दीजिए, जो ये वाले दीवार हैं उनको मिला के बीच में ला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए इसमें, और दरवाजे जो है रूम के यहाँ से लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं, और ये कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है इसको आप यहाँ पर हाल में लगा दीजिए, तभी भी आपका वो हो जाएगा। तो इसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है। इसके पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्लान का, वीडियो बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप टॉयलेट यहाँ पे बना सकते हैं और बेडरूम अपना बड़ा कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा अपग्रेड है। तो 25 फीट आपका ऐसे था और 40 फीट ऐसे था इस प्लान में। तो कैसा लगा प्लान कमेंट में बताइए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।